आपने कुछ पैरामीटर सेट की हैं वेंटिलेटर के ऊपर, और उसके बाद आपका पेशेंट उसके रिस्पांस में क्या शो कर रहा है, क्या वो डी सेट कर रहा है, क्या उसकी ब्लड गैसेस खराब हो रही हैं, या वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ कर रहा है, लो ब्रीथ कर रहा है, लो टाइडल्स बना रहा है, तो हमने उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रबल शूटिंग, हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को और इंटरवीन करना है ताकि हम लोग उसको मैनेज कर सकें, वरना सिर्फ मैकेनिकल वेंटिलेटर अटैच करना इज़ नॉट इनफ। अगर हमने एक पेशेंट के साथ वेंटिलेटर अटैच कर दिया है और उसके बाद हमारा पेशेंट उस पर भी डीसेट कर रहा है या फिर रेस्पिरेटरी रेट अभी भी ज़्यादा है और टेकिपने के, तो दिस इज़ नॉट इनफ। उस इशू को डील करने के लिए हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो हमारे पास ट्रबल शूटिंग के लिए तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ पेशेंट रिलेटेड, यानी अगर हमारे पास एक पेशेंट है जिसका मैंने वेंट सेट कर दिया है, हम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन पे हैं, SIMV मोड सेट करके हमने पिप पीप सब सेट करा, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा पेशेंट टाइडल नहीं बना रहा या कोई भी इशू है, तो मैंने सबसे पहले ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करनी है पेशेंट से, पेशेंट को देखना है। अच्छा, अब पेशेंट में हमें क्या देखना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक बच्चा आया है जो कि DKA में है। अब DKA की वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडोसिस है। जब भी एसिडोसिस होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप टेकिपनिक होते हो, आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। अब इस पेशेंट को अगर आपने इंक्यूबेट करके 20 का रेस्पिरेटरी रेट सेट किया है और वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है क्योंकि उसको अपने एसिडोसिस को करेक्ट करना है, तो अगर टेकिपनिया आ भी रहा है, आपके पेशेंट को आपने देखा वो टेकिपनिक है, तो हमेशा अंडरलाइन कॉज भी देखनी होगी। हो सकता है वो मायोकार्डाइटिस का बच्चा हो विद लैक्टिक एसिडोसिस और वो उस वक्त टेकिपनिक अपने एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हो रहा हो, तो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि क्यों भाई ये टेकिपनिक क्यों हो रहा है। और सेकेंडली फिर अगर उसकी वो बच्चा सिडेटेड नहीं होगा प्रॉपरली, तो वो एजिटेटेड होगा, वो वेंटिलेटर से फाइट कर रहा होगा क्योंकि वो एक ट्यूब जो एक्सटर्नली आपने डाली हुई है उसको अनकम्फर्टेबल कर रही होगी और इस वजह से वो टेकिपनिक हो रहा होगा। तो प्रॉपर सिडेशन या ट्रीट द प्रॉपर कॉज, अगर लैक्टिक एसिडोसिस है आपने एसिडोसिस को करेक्ट करना है, अगर DKA है आपको DKA को मैनेज करना है। जब इस तरह की चीज़ों को मैनेज करेंगे देन वो टेकिपनिया बेहतर होगा। सेकेंड, अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्राइव पेशेंट की बढ़ी हुई है लाइक एसिडोसिस, या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हुई हुई है, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का बच्चा जिसकी ब्रेन में इंजरी हुई है, सेरेब्रल एडीमा है, हेमरेज है, और जब वो बच्चा हमारे पास इंट्यूबेट होगा तो उसकी कोई रेस्पिरेटरी ड्राइव नहीं होगी। अगर आप उसको वेंटिलेट करना भी चाहोगे कि मैं उसको 10 के रेस्पिरेटरी रेट पे वेंटिलेट करता हूँ और वो 1 ईयर का बच्चा है जिसका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 30-40 होना चाहिए, तो वो 10 पे वेंटिलेट नहीं होगा, वो PCO2 रिटेन करना शुरू हो जाएगा, तो उसको आपको ज़्यादा उस पर रेट करना होगा। ये आपकी वेंटिलेटर ट्रबल शूटिंग होगी, यानी कि आपका वेंटिलेटर 10 के ऊपर सेट नहीं होगा, उस वक्त 30 के ऊपर सेट होगा जो एज रिलेटेड होगा। लेकिन वही बच्चा जो अगर आपके पास आता है जिसकी निमोनिया का बच्चा है जो अपनी ब्रीदिंग आराम से ले सकता है, उसको आप 30 की जगह अगर 20 पे भी सेट करोगे और अगर उसको लगता है कि वो 30 पे नॉर्मल ब्रीथ करना चाह रहा है, उसको 30 पे खुद ले जाएगा। इसीलिए हम SIMV यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसको हमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली, डिजीज़ के अकॉर्डिंगली वो करना होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना होता है। अच्छा, देन ARDS या फिर अगर निमोनिया है या न्यूमोथॉरिक्स है, इसके अंदर हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं ARDS के अंदर लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन करें। तो अब अगर मैंने अपना कोई अलार्म सेट करना है वेंटिलेटर के ऊपर, तो मेरा अलार्म मेरे लो टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से सेट होगा। अब जब हम वेंटिलेटर्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको कि अलार्म्स होते कहाँ पर हैं। तो हमारे पास कुछ अलार्म्स होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड पेशेंट कंडीशन सेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कर सकती कि एक 4 साल का बच्चा है जिसका मैं अलार्म सेट कर दूँ रेस्पिरेटरी रेट का, फॉर एग्जांपल 50 पे मैं रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रही हूँ एक 4 साल के बच्चे का। तो अब 50 तो खैर हम लोगों को प्लस माइनस 10 रखना होगा, क्योंकि अगर अब जैसे एक बच्चा जो कि टेकिपनिक है उसका रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास ज़्यादा हो सकता है, 50 तक का हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि हमारे पास 10 ईयर्स का है और उसका मैंने रेस्पिरेटरी रेट सेट कर दिया है 60 पे, तो 10 साल का बच्चा अगर 60 पे रेस्पिरेटरी रेट ले रहा है तो मेरा अलार्म रिंग करेगा कि ये 60 पे रेस्पिरेटरी रेट ले रहा है एंड दिस इज कंसर्निंग, कि वो एक 10 साल का बच्चा 60 का रेस्पिरेटरी रेट क्यों ले रहा है और उसके ऊपर मुझे इंटरवीन करना होगा। तो हमारे अलार्म्स इस तरह से सेट होते हैं कि हमें पता हो कि इसके ऊपर हमें कंसर्न होना है कि ये चीज़ क्यों कर रहा है। अगर मेरे अलार्म मैंने बहुत क्लोजली लिंक करके सेट कर दिया, यानी 10 ईयर्स में मैंने 20 पे अलार्म सेट कर दिया रेस्पिरेटरी रेट का और वो अलार्म रिंग करना शुरू हो जाएगा, तो वो उसके लिए रेस्पिरेटरी रेट उसकी नॉर्मल है एज के हिसाब से
और अगर वो अलार्म रिंग करता रहेगा तो वो आपको डॉक्टर्स को अलार्म फटीग हो जाता है, यानी कि फिर अगर कोई कंसर्निंग चीज़ होगी भी और अलार्म रिंग कर भी रहोगा तो आप कंसर्न नहीं होंगे कि इसके अलार्म तो हर वक्त बजते ही रहते हैं। तो हमारा अलार्म इसलिए प्रॉपरली सेट होना ज़रूरी है पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंगली, ताकि जब वो बजे तो हमें पता हो कि इस पर कंसर्न शो करना, ये फजूल में नहीं बज रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होते हैं एबनॉर्मल अलार्म्स फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर कभी कभी वेंटिलेटर डिसकनेक्ट हो जाए, हम लोग सक्शनिंग वगैरह कर रहे होते हैं उस वक्त वेंटिलेटर डिसकनेक्ट करते हैं, फौरन अलार्म बजना शुरू हो जाता है आपका। तो कोई भी डिसकनेक्शन होगा आपका वेंटिलेटर अलार्म करेगा। लीक हो रहा है कहीं से, कोई ट्यूब वगैरह वहाँ से लीक होना शुरू हो गई है, या आपने जब वेंटिलेटर हटाया वहाँ से लीक हो रहा है, या फिर कभी कभी आपका ये होता है कि आपका आपका कफ डला हुआ होता है, वो कफ में जो आप लोगों ने एयर इन्फ्लेट की भी होती है वो कम हो जाती है, उस वजह से लीक होना शुरू हो जाता है। पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी, पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी वो ये कि यानी कि आपका पेशेंट और वेंटिलेटर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। आपने एक पूरी साइकिल कर ली, पेशेंट ने इंस्पायर और एक्सपायर करना है, लेकिन आपके वेंटिलेटर ने बीच एक्सपिरेशन में एक और ब्रेथ दे दी, यानी कि पेशेंट और वेंटिलेटर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, बेरोट्रॉमा होगा, वॉल्यूम ट्रॉमा होगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर एयर तो जा ही जा रही है लेकिन वो पूरा एक्सहेल आउट नहीं कर पा रहा। तो प्रॉपर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन टाइम होना चाहिए पूरा, और वेंटिलेटर के साथ पेशेंट सिंक्रोनाइज कर रहा हो, ये ना हो कि पेशेंट अपनी ब्रीदिंग अलग ले रहा है और वेंटिलेटर अपनी ब्रीदिंग अलग दे रहा है। जब पेशेंट जाग रहा होगा और वेंट से फाइट कर रहा होगा तब ये ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि पेशेंट को सिडेट करते हैं। रिलैक्सेशन ज़रूरी नहीं है। तो अब ये ना डिफरेंट अलार्म के फॉर्म में आएगा, तो इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा कि पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी हो रही है। जब आप देखेंगे पेशेंट की तरफ, पेशेंट की नेजल फ्लेयरिंग होगी। आपने पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट को सेट कर दिया पूरा वेंट वगैरह जिस तरह से डॉक्टर देव ने आपको पढ़ाया, अब आपने पेशेंट की तरफ देखा तो पेशेंट नेजल फ्लेयर कर रहा है, टेकेपनिक हो रहा है, रिसेशन आ रही है, जो कि एक वेंटिलेटेड पेशेंट के अंदर आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब मैंने सीपैप से इसको वेंट पे डाला और ये चीज़ें इंप्रूव हो जानी चाहिए, लेकिन ये इंप्रूव नहीं हो रही, पेशेंट अभी भी टेकेपनिक है, तो वो यानी वेंटिलेटर से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा। आपने 30 का रेस्पिरेटरी रेट सेट किया था, पेशेंट 50 या 60 पे ब्रेथ ले रहा है, इसका मतलब ये कि वेंटिलेटर तो खुद भी दे ही रहा है लेकिन वो पेशेंट भी अपनी ली ही जा रहा है, और उसमें आपको ये नहीं पता कि जिस वक्त पेशेंट अपनी एक्सहेलेशन कर रहा था उसी वक्त वेंटिलेटर ने अपनी ब्रेथ दे दी, तो पेशेंट ने एक्सहेल प्रॉपर किया ही नहीं, दोबारा से रीइन्फ्लेट हो गए लंग्स, इसलिए सिंक्रोनी होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सेडेट एंड रिलैक्स कर दें पेशेंट को तो हम लोग डरते हैं, फॉर एग्जाम्पल ETT ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, यूजली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की वजह से अगर पेशेंट ब्लॉक हो भी गई ETT उसके बाद डीसेट करेगा या कुछ इवेंट होगा। अगर सिर्फ सिडेटेड है पेशेंट हमारे पास तो सिडेशन में तो पेशेंट की अपनी ब्रीदिंग रहती है, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर ही रहा होता है। बहुत सारे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वाले बच्चों को भी हम सिडेट करके रख रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मेंटेन करके रखते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और रिलैक्सिंग के इफेक्ट शो करते हैं कि वो बिल्कुल आपका फिर आपकी ब्रीदिंग नहीं होगी क्योंकि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है। तो वो पेशेंट अगर कोई भी ETT डिसलॉज हो जाती है, ETT ब्लॉक हो जाती है, सडन डीसेट करेगा, ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। लेकिन नॉर्मल वाले जो पेशेंट हमारे सेडेशन पे होते हैं उनमें ये इशू नहीं होता बल्कि वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। मोस्टली रिलैक्सेशन हर पेशेंट के लिए इंडिकेटेड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है मेरे पास मायोकार्डाइटिस का जिसका LV फंक्शन 10% रह गया है और मैं ये चाह रही हूँ कि उसकी मेटाबॉलिक रिजर्व्स कम हो जाएं, तब मैं उसको रिलैक्स कर दूंगी इस वजह से ताकि उसकी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, वो रिलैक्स हो और वो इम्प्रूवमेंट की साइड जा सके उसका LV। लेकिन अगर ऐसे एक नॉर्मल नमोनिया का बच्चा है तो उसको मुझे रिलैक्स करने की नीड नहीं है, मैं नहीं दूंगी उसको, सिर्फ मैं सेडेट करके रखूंगी ताकि वो कंफर्टेबली वेंटिलेटर उसको सपोर्ट करे जब तक नमोनिया रिजॉल्व हो रहा है और उसके बाद सेडेशन बंद कर देंगे। तो रिलैक्सेशन हर चीज़ में इंडिकेटेड भी नहीं है। और सेडेशन तो हम लोग, आप लोग कौन सी सेडेशन वैसे यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे? मिडाजोलैम यूज़ करें, ठीक है, ओके। इन्फ्यूजन आप आराम से चला सकते हैं, इट्स ओके। हम लोग वैसे ना, अच्छा, मिडाजोलैम के अंदर सेडेशन इफेक्ट भी ज़्यादा है। हम लोग यूजुअली किन्स यूज़ कर रहे होते हैं AQ के अंदर ना, तो किन्स के अंदर एनर्जेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो वो बच्चा कंफर्टेबल रहता है, उसको ये ट्यूबों का पेन, सुइयों का पेन नहीं होता
और वो आराम से थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट होता है, तो हल्का सा स्लीप में होता है, लाइट स्लीप में होता है और पेन एलिमेंट नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू मिडा के अंदर थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो मिडा भी अच्छी है वैसे, मिडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप आराम से इन्फ्यूजन की फॉर्म में चला सकते हैं। कोई भी इशू अगर होगा ना तो वो आपको वैसे भी वेंट बता देगा, मॉनिटर बता देगा, लेकिन सेडेशन की वजह से कोई इफेक्ट होना बड़ा लीस्ट लाइकली है कि इसकी वजह से कोई इफेक्ट हो रहा हो। अच्छा, अब एबनॉर्मल ब्लड गैसेस भी हमें शो कर रही होती है कि भाई वेंटिलेटर हमारा कुछ मसला कर रहा है। लाइक मैंने एक पेशेंट को 100% FiO2 दी हुई है अपने वेंट पे, और उसके बाद मैंने उसकी एक ब्लड गैस करके देखी जिसमें उसकी SPO, हम लोगों ने FO चेक किया, PaO2 चेक की, और वो PaO2 40 की हैं। 100% FiO2 पे अगर 40% PaO2 आ रही हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कहाँ, यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है, किसकी वजह से इस तरह से ये हो रहा है। हो सकता है वो बच्चा ARDS का हो जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, लंग कंप्लायंस ख़राब है हमारे पास, तो उस हिसाब से हम लोगों को पेशेंट को पीप ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजनेशन बेहतर हो। तो वेंटिलेटर को जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लड गैसेस को भी देख रहे होते हैं कि यार अगर ये ब्लड गैस मेरी ये आ रही है, यानी कि मुझे वेंटिलेटर के ऊपर कुछ ट्रबल शूट करने की नीड है, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे पेशेंट को इम्प्रूव नहीं कर रही है, तो कुछ करना है इसके ऊपर। अच्छा, डोप हम सबको पता है, हम सबका फेवरेट होगा आई गेस, जो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन चला रहे हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे कोई भी अगर ट्रबल शूटिंग करनी है, सबसे पहले हमें डोप करना है पेशेंट का। डोप के अंदर हमारे पास चार हैं, DOPE, डी इज़ डिस्प्लेसमेंट। कोई भी हमारी ETT अगर हम लोग और अगर सेडेट नहीं करेंगे तब तो और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कि हमारी कोई ट्यूब डिस्प्लेस ना हो गई हो। O is for obstruction हमारे पास, P is for pneumothorax एंड E is for equipment failure। इक्विपमेंट फेलियर सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले हम पेशेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यानी सबसे पहले पेशेंट को देखना है, उसको कोई इशू तो नहीं, आपने ऑस्कल्टेट कर लिया चेस्ट को, सक्शन करके देख लिया आपने, अगर पेशेंट की तरफ से चीज़ें ठीक है देन गो फॉर इक्विपमेंट फेलियर। अच्छा, अब अलार्म्स पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अलार्म्स पे ना वेंटिलेटर होगा तो उसके ऊपर बहुत ईजी हो जाएगा ये देखना कि अलार्म्स हमारे पास कब बजते हैं और क्या अलार्म्स बज रहे हैं। सबसे पहले हाई प्रेशर अलार्म, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि हाई प्रेशर अलार्म क्या होता है। एक ग्राफ डॉक्टर देव ने अभी आपसे डिस्कस किया था, ग्राफ हमने नहीं देखा था लेकिन हम लोगों ने दो प्रेशर डिस्कस कर लिए थे, एक पिप था और एक पी प्लैट था। तो जब भी हमारे पास लंग्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल एल्वियोलाई के अंदर एयर गई और उसने हमारे एल्वियोलाई को डिस्टेंड किया तो हमारा एक पिप जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं, एक वेंटिलेटर पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ होता है इंस्पिरेटरी होल्ड। इंस्पिरेटरी होल्ड का मतलब ये होता है कि मैंने अब एयर को अंदर आने से रोक दिया है, ठीक है, इंस्पिरेटरी होल्ड हो गया, अब कोई एयर नहीं आ रही, जितनी एयर जानी थी चली गई। अब जो एयर चली गई है वो लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यानी एक एल्वियोलाई से वो निकल के दूसरे अपने पड़ोस वाले एल्वियोलाई में चली जाएगी। अब पीक प्रेशर से जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है नीचे तो वो यहाँ पर आता है प्लेट्यू प्रेशर, ठीक है। प्लेट्यू प्रेशर के अंदर हम लोगों ने इंस्पिरेटरी होल्ड किया था और होल्ड करने के बाद जो एयर डिस्ट्रीब्यूट हुई उससे हमने देख लिया प्लेट्यू प्रेशर अपना। तो एक हमारा पिप हो गया, एक हमारा पीप हो गया। अब क्यों देख रहे हैं हमें, इसका क्या फ़ायदा है हमारे पास? तो जब हमारे पास एक पेशेंट है, हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि भाई इसको इसके अंदर पेशेंट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अंदर कंप्लायंस ख़राब हो रही है, पेशेंट की कंप्लायंस कम हो रही है। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तब आती है जब हमारा हाई प्रेशर अलार्म रिंग कर रहा हो और हम ये फ्लो देखें हमारे पास इंस्पिरेटरी होल्ड करके कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। अब इस ग्राफ की क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें क्या बताएगा? कुछ सिचुएशन के अंदर जब एयर हमारी इस तरह अंदर जा रही है तो एयर हमारे एयरवेज से गुजर के एल्वियोलाई तक पहुँचेगी। अगर मेरे एयरवे के अंदर म्यूकस प्लग फंसा हुआ है तो एयरवे को जाने में अंदर बहुत मुश्किल होगी और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऊपर जाएगा, तो ये प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आराम से एयर तो अंदर चली गई मेरे, लेकिन मेरे लंग्स की कंप्लायंस अच्छी नहीं थी, मेरे लंग्स अच्छे से डिस्टेंड नहीं हो पा रहे, ARDS है मेरे पेशेंट को, तो वो डिस्टेंड नहीं हुए, एयर अंदर तो पहुँच गई एल्वियोलाई के लेकिन एल्वियोलाई के अंदर से लंग्स नहीं खुले। अब उन लंग्स को खोलने के लिए आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पी प्लेट बता रहा था। जब हम लोगों ने इंस्पिरेशन तो होल्ड कर दी थी, यानी अभी मेरी एयरवे रेजिस्टेंस में नहीं देख रही, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि एयर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा प्रेशर चाहिए, यानी प्लेट्यू प्रेशर ज़्यादा चाहिए, यानी कि लंग्स की कंप्लायंस ख़राब है। मुश्किल बात है या समझ आ रही है?
समझ आ रही है ना? ठीक है, तो एक ये हमें दो चीजें हमने देखी, एक ये कि हमारी एयरवे की रेजिस्टेंस कैसी है, वो मुझे पिप से पता चल गया इस वाले से, और एक कि ये हमारी कंप्लायंस कैसी है, ये मुझे पी फ्लैट से पता चल गया। ठीक है, अब हमारे पास आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस आएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पीक प्रेशर क्या होता है और प्लेट्यू प्रेशर क्या होता है। तो पीक प्रेशर हमारे एंड ऑफ इंस्पिरेशन के अंदर जो एयरवे से हमारी एयर गई वो हमारा पिप जनरेट करेगी, और प्लेट्यू प्रेशर क्या है हमारे पास, जब हम लोगों ने एक्सपिरेटरी लिम्ब को होल्ड कर दिया जो जिसने हवा निकाली, और मैंने कहा जितनी एयर मेरे लंग्स में है बस अब उसी ने डिस्ट्रीब्यूट होना है, कोई लंग का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जितनी एयर लंग के अंदर गई है इंस्पिरेशन होल्ड करने के ऊपर जो हमारे पास जनरेट होगा प्रेशर, इट इज कॉल्ड प्लेट्यू प्रेशर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था हमारे पास दो सिचुएशंस आएंगी, एक वो जिसके अंदर हमारा पिप भी बढ़ जाएगा और प्लेट्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या लगता है, डिस्कशन सिर्फ दो चीजों के बारे में हो रही है, कंप्लायंस और रेजिस्टेंस। ठीक है, किस सिचुएशन में बढ़ना चाहिए, पिप भी बढ़ जाए और प्लेट्यू भी बढ़ जाए, क्या लगता है, रेजिस्टेंस में या कंप्लायंस में, क्या ख्याल? ठीक है, अच्छी नाओ, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे होगा जिसमें पिप बढ़ जाए लेकिन प्लेट्यू प्रेशर ना चेंज हो रहा हो, फिर वेरी गुड, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ऊपर वाले में कंप्लायंस खराब हो रही है हमारी, नीचे वाले में कंप्लायंस ठीक है लेकिन रेजिस्टेंस का मसला है। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी ना हमने यही डिस्कस किया है कि हमारे पास एक पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी डिटोरिएशन के साथ आया है, और उसका हमने पीप चेक किया, पिप पहले चेक किया तो पिप इंक्रीज है, और हमने पीप चेक किया, प्लेट्यू प्रेशर चेक किया वो भी इंक्रीज है, तो पिप भी इंक्रीज है, प्लेट्यू प्रेशर भी इंक्रीज है। उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारी लंग्स की कंप्लायंस खराब है, और लंग्स कंप्लायंस के साथ कहीं ना कहीं हमारे ब्रोंकाई वगैरह भी किसी प्लग की वजह से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं जिस वजह से हमारी पिप बढ़ गई है। ऑब्वियसली अगर लंग्स कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं है और एयर वे जब जा रहे होंगे हमारे पास तो वो प्लेट्यू प्रेशर बढ़ाएंगे, और जब प्लेट्यू बढ़ ही रहा है तो पिप भी बढ़ ही जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो एसोसिएटेड ही है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं जिसमें रेस्पिरेटरी कंप्लायंस खराब हो रही है, ये हमारी सारी कॉमन वो हैं जो डिजीजेज जिसके अंदर हमारी कंप्लायंस खराब हो सकती है, तो इट्स ARDS या निमोनिया। अगर ARDS या निमोनिया है तो उसमें हम प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन करते हैं। प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन का क्या मतलब होगा, अच्छा अगर प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन में कह रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई ARDS से कंप्लायंस अच्छी नहीं है, मुझे बहुत हाई प्रेशर देना होगा लंग्स को, देते जाएं हाई प्रेशर, कोई लिमिट ही नहीं है हमारे प्रेशर्स की, तो हमें कुछ सेट करने होंगे, लो टारगेट सेट करेंगे कि यार इतने में ही गुजारा कर लेते हैं ना, कि इतना ज़्यादा प्रेशर ना दें, कितना ज़्यादा बैरोट्रॉमा देंगे, कितना वॉल्यूम ट्रॉमा देंगे ना लंग्स को, तो हम उसके अंदर क्या सेट करते हैं कि हम लोग 4 to 6 ml/kg के टाइडल वॉल्यूम पे खुश हो जाएंगे। नॉर्मली हमने कितना डिस्कस किया था, 6 to 8, अब 4 to 6 पे हम खुश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा प्रेशर इतना ही टारगेट करेंगे जिस पे 4 to 6 अचीव हो जाए, इस इज डिस्पाइट एज, क्योंकि अभी हम डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, और नॉर्मल 4 to 6 ml/kg पे हमें पता है कि हमारा पेशेंट जितना PCO2 वॉश आउट कर सकता है कर लेगा, थोड़े बहुत PCO2 भी हमारे टारगेट बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि वो कंप्लीट PCO2 वॉश आउट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है पेशेंट को, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन है, वो लंग्स को कम्प्लीटली एक्सपेंड नहीं होने देगा, तो हमें इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन की कॉज को ट्रीट करना है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, कोई और वजह है, जो भी अंदर इशू चल रहा है आपने उसको ट्रीट करना होगा। एटीलेक्टेसिस है तो आप पीप बढ़ाओगे, ताकि एटीलेक्टेसिस क्यों होता है, म्यूकस प्लग हो सकता है जिसकी वजह से आपके लंग्स बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं, ओपन नहीं है आपके लंग्स ना, तो आपको पीप देनी होगी ताकि उसकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो, ताकि गैस एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, ऑटो पीप क्या है भाई, ऑटो पीप का किसी को आइडिया है? अच्छा, तो अभी हम पीप के बारे में बात कर रहे थे, पीप क्या थी हमारी, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली जब आपने ये बता दिया ना कि वो लंग्स को कोलैप्स नहीं करने दे रहा और वो रिमेनिंग प्रेशर है आपका आफ्टर जो आपने
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद, यानी आपने एक डीप एक्सहेलेशन किया और उसके बाद जो आपकी एक रिमेनिंग कैपेसिटी है लंग की, दैट्स पीप। अब पीप के अंदर होता ये हमारे पास, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि अगर आपके लंग्स दोबारा इन्फ्लेट हो गए और आपने, एक पेशेंट ने ब्रीथ लिया और फिर वेंटिलेटर ने दोबारा ब्रीथ दे दिया, या आपने स्मॉल ई टाइम स्मॉल रखा हुआ था, आई टाइम ज़्यादा रखा था, यानी इन्हेलेशन बहुत देर तक हुई, फ्लो गैस का जाता रहा, लेकिन आपका एक्सहेलेशन टाइम बहुत स्मॉल था, लंग कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाया, अभी पूरा एम्प्टी हुआ ही नहीं था कि सेकेंड ब्रेथ आ गई और उसने दोबारा इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके लंग्स दोबारा वॉल्यूम ट्रामा होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लंग्स हाइपर एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे और उनकी जो एयर है लंग्स के अंदर वो भरना शुरू हो जाएगी, कम्प्लीटली लंग्स आउट नहीं होंगे। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ऑटो पीप जेनरेट होना शुरू हो जाती है, फिर उनके अंदर जब आप दोबारा लंग फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलरेडी फिल्ड लंग्स हैं, उनके अंदर एयर डालना और मुश्किल होता जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो तो पहले पूरा खाली हुआ ही नहीं था, आपने पहले ही उसके अंदर हवा भर दी, तो अब आप दोबारा हवा भरने की कोशिश करेंगे, हवा जाएगी नहीं अंदर, और आपका वेंटिलेटर हाई प्रेशर अलार्म देना शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर फिर चांसेस ये होते हैं कि ये नीमोथोरिक्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोपीप वैसे किस डिजीज़ के साथ हो जानी चाहिए कि हवा बाहर निकल ही नहीं पा रही? एक डिजीज़ है जिसमें हवा बाहर निकल ही नहीं पाती, वेरी गुड। और छोटे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, नीचे में हमारे कौन सी एक डिजीज़ है जिसमें हम वेंटुलिन नैब्स दे रहे होते हैं, क्योंकि हम, हाँ, सबसे कॉमनली हम ये देख रहे होते हैं। तो एस्मा के पेशेंट्स के अंदर अगर कोई पेशेंट वेंटिलेट हो रहा हो तो उनमें ऑटोपीप जनरेशन के और न्यूमोथोरिक्स से चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट कम कर देंगे पेशेंट का, आई टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कम कर दें और ई टाइम ज़्यादा कर दें, ताकि पेशेंट आराम से एक्सहेल कर सके और कम सांस ले, अपने लंग्स को पूरा एम्प्टी करे, ठीक है। बाकी एसिंक्रोनस ब्रीदिंग हमने अभी डिस्कस किया था कि पेशेंट वेंटिलेटर अगर एसिंक्रोनी है तो हमें उसको सेडेट करना है, एनल्जीसिया देंगे ताकि वो परेशान ना हो उस पूरी वेंटिलेटर और ट्यूबिंग और इन चीज़ों से और अपनी डिजीज प्रोसेस से। ये सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए बेहतर ये कि पेशेंट को सेडेशन और एनल्जीसिया मिले। बाकी पल्मोनरी एडिमा अगर है तो हम डायूरीज करेंगे पेशेंट को और एंटी कार्डिक फेलियर ट्रीटमेंट देंगे। अब इसमें भी हमने ये चीज़ भी हमने भी डिस्कस कर ली थी, अगर पिप ज़्यादा है और प्लेट्यू प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया तो ये क्या होगा, हमने जो डिस्कस किया था, अगर पिप पेशेंट की ज़्यादा हो रही है लेकिन प्लेट्यू प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है। तो फिर रेजिस्टेंस में हमारे पास सिक्रीशंस हो सकती हैं जिसको हम सक्शन आउट कर देंगे या ब्रोंकोस्पैज्म के लिए ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे। अच्छा, अभी हम ऑटोपीप की बात कर रहे थे, ऑटोपीप के अंदर हमारे लंग्स कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहे, उसके अंदर फिर हमारे पास कॉज क्या हो सकती है, हाई टाइडल वॉल्यूम, यानी कि आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, पेशेंट बार बार प्रेशर तो मिल रहा है, पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा है, इस वजह से उसके अंदर लंग्स एम्प्टी नहीं हो पा रहे, तो आपने टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज करना है अपनी। एस्मा के अंदर मैंने बताया सबसे कॉमन है, एस्मा के अंदर लंग्स एम्प्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है, उसमें प्रेशर सपोर्ट के अंदर क्यों आपको लगता है कि ऑटोपीप जेनरेट होगी? अच्छा, मेरी बात सुनिए, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन कब देते हैं हम? तो यूजुअली प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन हम तब दे रहे होते हैं जब मुझे ये पता है कि पेशेंट अब खुद अपनी इतना इनफ हो गया कि वो अपनी ब्रेथ ट्रिगर कर सकता है, साइकिल खुद अपनी कंटिन्यू कर सकता है, उसको अब वेंटिलेटर की सपोर्ट की नीड नहीं है, ठीक है। तो कब ऑटोपीप जनरेट हो रही है? जब जनरेट हो रही है जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ पेशेंट के लंग्स को, या फिर पेशेंट के लंग्स खुद से डीफ्लेट नहीं हो पा रहे एस्मा बच्चे को। अब प्रेशर सपोर्ट पे मैं डालूंगी ही पेशेंट को तब जब पेशेंट बेहतर हो गया है, सही है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन हमारी तब आती है जब हम पेशेंट को वीन ऑफ कर रहे हों, वरना शुरू में हम उसको SIMV सपोर्ट दे रहे थे। अब प्रेशर सपोर्ट के अंदर पेशेंट खुद जितना उसको सांस लेनी थी वो उतनी ही इनहेल करेगा, क्योंकि पेशेंट खुद ही ट्रिगर कर रहा है, खुद ही लिमिट कर रहा है, खुद ही साइकिल कर रहा है। अब जैसे आप और मैं आराम से खुद ही कर रहे हैं ना, ऑटोपीप जनरेट नहीं हो रही हमारी, क्योंकि ये हम खुद ही कर रहे हैं अपनी लिमिट साइकिल
इंस्पिरेशन, ट्रिगर सब खुद करना है. तो उसके अंदर जब हम खुद करना है तो फिर ऑटो पीप जनरेट नहीं होगी. तो इस वाले मोड के साथ ऑटो पीप का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा. ऑटो पीप का कॉन्सेप्ट तब बनेगा जब हम लोग SIMB मोड पर, ठीक है. अच्छा, हाई आई टाइम होगा तो हम आई टाइम डिक्रीज कर देंगे ताकि पेशेंट एक्सपायर ज़्यादा कर सके. हाई रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कर देंगे. अच्छा, अब हाई टाइडल वॉल्यूम का अलार्म आ रहा है मेरे वेंट के ऊपर, तो उसके कुछ रीज़न हो सकती हैं. अब पेशेंट बेहतर हो गया, सबसे अच्छी बात, पेशेंट बेहतर हो गया, उसकी लंग का अप्लायंस बेटर हो गई है, तो फिर हम वीन ऑफ करना शुरू कर देते हैं पेशेंट को. सेकेंड ये हो सकता है कि भाई हमारा फिल्टर या एक्सपिरेटरी लिंब है वो ब्लॉक हो गया है, कहीं ना कहीं ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ रही है वेंट की, तो हमें वॉश और फिल्टर करना होगा अपनी ट्यूबिंग्स को वेंटिलेटर के, वहाँ पर कोई ब्लॉक तो नहीं है. अगर हमारे पास पेशेंट की एक्सटर्नल नेबुलाइजर, यूजुअली हम लोग जब पेशेंट को कर रहे होते हैं उस वक्त भी पेशेंट की टाइडल वॉल्यूम बढ़ रही होती है, तो हम लोग वेंटिलेटर पेशेंट को इनहेल्ड वो वाले दे रहे होते हैं मीटर डोज इनहेलर्स, वेंटोलिन सेल्ब्यूटामॉल के हमारे पास मीटर डोज इनहेलर आ रहे होते हैं, हम लोगों ने वही देने होते हैं. ऑटो ट्रिगर अगर पेशेंट जनरेट कर रहा है तो हम लोग इंक्रीज ट्रिगर सेंसिटिविटी करते हैं. ऑटो ट्रिगर इज कि पेशेंट ने थोड़ी सी खुद सांस लेने की कोशिश की, वेंटिलेटर ने फौरन डिटेक्ट कर दिया कि पेशेंट सांस लेने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको पेशेंट ने ब्रेथ दे दी, तो फिर इस तरह से टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी पेशेंट की. उनकी हम ट्रिगर सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं ताकि पेशेंट, अगर पेशेंट कोई सांस लेना भी चाह रहा है ना, तो वो पेशेंट की ब्रेथ डिटेक्ट हो जिसका एक सेट वॉल्यूम हो या सेट फ्लो हो, इसके ऊपर आपने आइडेंटिफाई करना है. वरना अगर इससे लो है तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा वेंटिलेटर और उसको इग्नोर कर देगा. वरना अगर आपका लो ट्रिगर सेंसिटिविटी होगा तो वो हर सांस को डिटेक्ट करके उस पर वो दे देगा आपकी फ्लो. अलार्म सेटिंग टू लो, अगर हमारी अलार्म सेटिंग टू लो होगी तो उसके ऊपर भी, यानी टाइडल वॉल्यूम मैंने सेट ही इतना लो कर दिया कि बार बार अलार्म रिंग कर रहा है, तो अलार्म करेक्ट सेट करना होगा हमें हर पेशेंट और हर डिजीज़ के हिसाब से. वरना फिर वो अलार्म फजूल में रिंग करता रहेगा हमारा, और डॉक्टर भी परेशान रहेगा, ये अलार्म की वजह से पेशेंट भी परेशान रहेगा. यूजुअली ना हम लोग वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है ना, तो नेब्यूलाइज नहीं कर रहे होते डायरेक्टली, हम लोग उन्हें इनहेलर की फॉर्म में दे रहे होते हैं. तो हम जब पोस्ट सक्शन पेशेंट को देखते हैं ना, तो अक्सर पेशेंट हमारे पास स्पैज़म में चले जाते हैं सक्शनिंग की वजह से, वो ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो उनको हमें इनहेलर फॉर्म में देना होता है. इसका मसला ये होता है कि ये तो बहुत प्रेशर और फ्लो से जा रहे होते हैं जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम बढ़ रही होती है, लेकिन वो अंदर तक कितना पहुंच रहे हैं लंग्स के हम कह नहीं सकते नेबुलाइजर्स, तो हम इन्हें इनहेलर की फॉर्म में देते हैं थ्रू ETT अटैच करके. अच्छा, अब लो प्रेशर अलार्म जो होते हैं हमारे पास, वो हमारी जो पिप सेट है उसे 5 to 10 cm हम बिलो सेट करेंगे. इसमें हमारे पास लो प्रेशर अलार्म में लो मिनट वेंटिलेशन हो सकता है या लो टाइडल वॉल्यूम हो सकता है. अब इसमें भी हमारे पास यही सेम कॉजेज होंगे और इसको सेम हम ट्रबल शूट करेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. अगर वेंटिलेटर डिसकनेक्ट है तो उसको रिकनेक्ट कर देंगे, अगर सेक्रीशन है तो सक्शन आउट कर देंगे, ब्रोंकोस्पैज़म है तो ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे. अगर पेशेंट टेकेपनिक है तो हमें पहले तो कॉज देखनी है कि भाई टेकेपनिक हो क्यों रहा है. अगर वेंटिलेटर सिंक्रनी हो रही है, एसिंक्रनी हो रही है, तो हमें पेशेंट को सिलेट करना होगा. अगर पेशेंट एंक्शियस है, पेशेंट फेब्राइल है, तो हमें एंटीपायरेटिक देनी है क्योंकि बुखार के अंदर भी पेशेंट टेकेपनिक हो जाते हैं. अगर लीक आ रहा है तो हमें अपना कफ जो है वो इन्फ्लेट करना होगा. थ्रोट पैक रख सकते हैं पेशेंट के, या फिर हम लोगों को लीक वेंटिलेटर के ऊपर लीक कॉम्पनसेशन का एक अलग से वो दिया हुआ होता है एरिया ना, तो वो भी हम लोग अभी देख लेंगे वेंट के ऊपर. तो लीक कॉम्पनसेशन में हम लोगों को जाना होगा, वो हम लोगों को करेक्ट करना होगा. बाकी अगर हमारी कंप्लायंस कम हो रही है, उसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम कम हो रही है, ARDS है, चेस्ट वॉल एडिमा है, तो फिर हमें वेंटिलेटर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, हम लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ चले जाएंगे. बाकी अगर पेशेंट किंग या ETT बाइटिंग कर रहा है, तो हमें पेशेंट को ओरल एयरवे लगा देते हैं हम लोग, या पेशेंट को सेडेट करना होता है. और इनएडिक्वेट फ्लो के लिए फिर हम इंक्रीज कर देंगे फ्लो. और अगर इनअप्रोप्रिएट अलार्म है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एज एंड डिजीज़ अलार्म सेट करने, वो मैं बार बार कह रही हूँ कि अलार्म अगर सही सेट नहीं होंगे तो वो गलत टाइम पर रिंग करते रहेंगे.
अच्छा, फिर एपनिया अलार्म होते हैं, हमारे पास एपनिया भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूजुअली एपनिया हम लोग तब ऑब्जर्व ज़्यादा करे होते हैं जब पेशेंट प्रेशर वो स्पॉन्ट वेंटिलेशन पे चला आता है। तो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन ट्रायल्स के अंदर हम लोगों ने एक एपनिया टाइम सेट किया हुआ होता है वेंटिलेटर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पेशेंट को स्पॉन्ट पे डाल रहे हो तो हम अपना एपनिया टाइम सेट करें, यूजुअली 10 to 20 seconds के इन बिटवीन हम सेट कर रहे होते हैं, 10, 15, 20। और उसके अंदर ये होता है कि अगर 15-20 seconds तक वेंटिलेटर ने आपके पेशेंट की ब्रेथ डिटेक्ट नहीं की तो फिर वो बैकअप मोड पे चला जाता है। तो इस वजह से आपका एपनिया अलार्म सही सेट होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि 30 seconds पे सेट हो या 50 seconds पे सेट हो और वेंटिलेटर ने आइडेंटिफाई ना किया हो, 50 seconds तक पेशेंट ने ब्रेथ नहीं ली और उसने भी ब्रेथ नहीं दी। तो आपका एपनिया अलार्म टाइमली सेट होना चाहिए। तो एपनिया अलार्म का मतलब ये कि कोई पेशेंट की ब्रेथ डिलीवर नहीं हुई थी, अगर उस वजह से एपनिया अलार्म बच रहा है तो फिर हम अपना बैकअप रेट सेट करते हैं कि भाई हम लोगों ने एपनिया अलार्म सेट कितने टाइम पर किया हुआ था। अच्छा, अगर पेशेंट की एफर्ट इतनी कम है, जैसे कि जो बच्चे CNS रिलेटेड होते हैं उनमें एफर्ट पेशेंट सही से नहीं ले रहा, उसकी अपनी ब्रेथ नहीं बन रही, तो हमें एपनिया अलार्म उस हिसाब से सेट करना होगा। वरना अगर पेशेंट की कोई ब्रेथ नज़र नहीं आ रही तो फिर हम उसको वापस कहते हैं कि भाई अभी ये प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी ये ब्रेथ नहीं बना रहा, इसको वापस जो हमारा SIMV मोड ऑफ वेंटिलेशन है उस पर ले लेते हैं, एंड देन थोड़े लेटर ऑन हम लोग ट्राई करेंगे दोबारा से इसको वो देने का स्पॉन ट्राइल। अच्छा, अगर लीक आ रहा है तो उसकी वजह से भी हमारा एपनिया अलार्म बच सकता है, तो फिर हमें कफ को इन्फ्लेट करना होगा या फिर हमें रीकनेक्ट करना होगा सर्किट को, अगर सर्किट कहीं से डिसकनेक्टेड है हमारे पास। ट्रिगर लेवल अगर हमने बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया, यानी मैंने वेंटिलेटर को कहा हुआ है कि अब जो हमारा फ्लो या टाइम है मेरा पेशेंट का जिस पे आप पेशेंट ने ब्रेथ लेनी है, जैसे एक मैंने बोला था हमने बहुत लो ट्रिगर सेट कर दिया, हल्की सी पेशेंट ने मूवमेंट शो की और उसने उसको एज अ ब्रेथ ले लिया, या ऐसा भी हो सकता है मैंने ट्रिगर इतना हाई सेट कर दिया है अपना कि पेशेंट तो सांस ले रहा है लेकिन मेरा वेंटिलेटर इतना हाई सेट है कि वो उसको देख ही नहीं रहा कि ये तो पेशेंट सांस ले रहा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि दिस इज एपनिया। तो हमें ट्रिगर भी ऐसा सेट करना होता है कि ना वेंटिलेटर ओवर सेंसिटिव हो जाए और ना ही बिल्कुल ऐसा हो कि हर चीज़ ही इग्नोर करके बैठा हुआ हो कि ये तो पेशेंट सांस नहीं ले रहा, तो इसका भी प्रॉपर टाइम हमारा सेट होता है। उसके बाद अलार्म सेटिंग हमें देखनी होती है अपने पेशेंट के। फिर ब्लड गैसेस के अंदर हमारे पास हाई PCO2 या लो PO2 के इशू हो सकते हैं। अगर हाइपोक्सेमिक पेशेंट है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन इम्प्रूव करनी होगी हमें। अगर लो FiO2 है तो FiO2 बढ़ा देंगे। अगर पेशेंट की एटिलेक्टेसिस है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है, तो हमें पीप को बढ़ाना होगा। अगर लंग कंप्लायंस ख़राब हो रही है तो पीप बढ़ानी है और आई टाइम बढ़ाना है ताकि गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। और अगर परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया चल रहा है तो फिर आपको डिफरेंट मोड ऑफ वेंटिलेशन स्विच करना होगा, जैसे HFO होता है। अच्छा, अगर हमारे पास अच्छा, तो अगर पेशेंट डीसैट कर रहा है करंटली, तो कभी कभी सिर्फ अलार्म पे हमें फोकस थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, हम पेशेंट को बैगिंग पे ले लेते हैं सबसे पहले डीसैचुरेशन के, और लेटर ऑन फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कॉज क्या है, लेकिन सबसे पहले पेशेंट को सेव करना है तो हम लोग वेंटिलेटर को डिसकनेक्ट करेंगे, एम्बू बैगिंग स्टार्ट कर देंगे, एंड देन लेटर हम लोग ये देख लेंगे कि क्या कॉज है इस चीज़ की। अच्छा, उसके बाद हाई PCO2 सिक्रीशंस अगर पुल अप हो रही है पेशेंट की तो हम सक्शनिंग करेंगे, क्योंकि अगर सिक्रीशन पुल अप हो जाएंगी गैस एक्सचेंज नहीं होगा, PCO2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रोंकोस्पैज़म के अंदर हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। अगर थोरेसिक कंप्लायंस ख़राब है, ARDS है, चेस्ट वॉल एडिमा है, तो हमने हाई पीप लो टाइडल्स जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हो गया रीकनेक्ट कर देंगे, ETT बाइट कर रहा है वही ओरल एयर वे दें, सेडेशन दें, लीक है तो फिर हमें कफ को इन्फ्लेट करना होगा, थ्रोट पैक और स्विच ऑन कर देंगे लीक कॉम्पनसेशन के लिए। अब हमने पेशेंट को मैनेज कर लिया, अपने हमारा पेशेंट ठीक हो गया है, अब हमें वेंटिलेटर ऑफ करना है, तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते वेंटिलेटर को बटन की तरह, एक प्रॉपर वे होगा जिसमें हम लोगों को वीन करना होगा वेंटिलेटर को। तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम काम्स क्राइटेरिया कहते हैं, किसी ने नाम सुना है इसका, आप लोग फॉलो करते हैं? अगर आप लोगों को वीन ऑफ करना हो, वेंटिलेटर ऑफ करना है, तो क्या करते हैं आप लोग, कैसे सोचते हैं कि बस अब ऑफ कर दें, कुछ करते हैं सोचते हैं? ओके, आप लोग TP स्ट्राइल दे रहे हैं, ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं TPs के लिए तैयार है पेशेंट? अच्छा, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोग देखते होंगे कि अब ये रेडी है TPs के लिए, वो चीज़ें क्या हैं? अपनी ब्रीथ अच्छी ले रहा है, ठीक है, मिनिमल FiO2 पे आ गया है,
ठीक है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम CNS से स्टार्ट करें तो अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस इम्प्रूव हो गया है, पेशेंट अपनी ब्रेथ अच्छे से बना रहा है, इसका मतलब एक साइड से आप क्लियर हो गए CNS टिक, तो हमारे पास ना ये पूरी चेकलिस्ट होती है ICUs के अंदर। और जब भी हम लोग किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने के लिए जा रहे होते हैं, हम ये अपनी चेकलिस्ट निकाल लेते हैं और रिव्यू करते हैं हम लोग के ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है, नाउ वी विल गो फॉर एक्सट्यूबेशन। तो फिर हमारे पास अगर प्रॉपर कॉफ एंड गैग रिफ्लेक्स है पेशेंट का, तो हम लोगों ने वो जिस वक्त सक्शन वगैरह करे होते हैं उस वक्त हम लोग अगर हम लोग एक्सट्यूबेशन का प्लान कर रहे हैं तो हमने कॉफ और गैग चेक कर लिया बच्चे का। एयरवे हम लोगों ने देख लिया, लैक ऑफ अपर एयरवे एडीमा, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोग लीक के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने कफ डीफ्लेट किया अपने पेशेंट का और वेंटिलेटर पे हमने चेक किया, यूजुअली वेंटिलेटर पे लीक आता है या हमें आवाज़ भी आ जाती है, अगर लीक आ रहा होगा तो आपको आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगी। लंग्स की एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, जिस कॉज की वजह से हमने पेशेंट को इंट्यूबेट किया था, नमूनिया हम देख रहे थे, एक्सरे करवाया, अब हमारा बेहतर हो गया है, ARDS था अब बेहतर हो गया है, तो फिर हम लोग उसको एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल या TPs ट्रायल टॉलरेट करे, इसका मतलब ये है कि उसके न्यूरोमस्कुलर वीकनेस नहीं है, वो खुद अपनी ब्रेथ्स बना पा रहा है आराम से, तो यहाँ से हम लोगों कहते हैं ओके टिक। देन सिक्रीशंस में क्वालिटी, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं पेशेंट की, तो उसमें भी हमें ये होता है कि भाई अगर इतनी ज़्यादा सिक्रीशंस हैं तो फिर बाद में ड्रूलिंग वगैरह के इशूज ना हो, तो उनको या तो फिर आप लोग पहले से ग्लाइकोपाइरोलेट वगैरह स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर, फिर जब सिक्रीशन थोड़ी ड्राई अप होना शुरू हो जाए देन आप लोग एक्सट्यूबेशन का प्लान करते हैं। अच्छा तो हमें डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम लोग TPs ट्रायल दे रहे हैं, तो TPs ट्रायल या स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल्स होते हैं हमारे पास, दोनों ट्रायल्स हम लोग करके देख सकते हैं, और यूजुअली ये 30 to 120 मिनट्स के हम लोग ट्रायल देते हैं। आप लोग कितनी देर के देते हैं ट्रायल, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल कब के, कितने टाइम के होते हैं आप लोगों के? 2 to 3 आवर्स के आप लोग स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लोगों ने देखा कि पेशेंट ने टॉलरेट कर लिया है, हम लोग कैसे देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे सबसे पहले, अगर पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग नहीं बढ़ रहा, पेशेंट आराम से टॉलरेट कर रहा है, सेचुरेशन, वाइटल, हार्ट रेट सब कुछ ठीक है, और एक ब्लड गैस करके आप देख सकते हैं, अगर ब्लड गैस के अंदर गैस एक्सचेंज ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन फिर आप अपना काम्स क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन प्लान फॉर एक्सट्यूबेशन। तो डिपेंड करता है, अभी आपने अपनी अलार्म चेक कर लिया, उसकी टाइमिंग सही है, अपनी ट्रिगर सेंसिटिविटी चेक कर लें कि वो पेशेंट की ब्रेथ डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने सारे अलार्म्स करके देख लिए, उसके बाद आप ये देखें कि उसको कोऑर्डिनेट करें विद द पेशेंट कंडीशन। अक्सर ऐसा होता है कि आपके वेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट फेलियर है, वो एपनिया शो कर रहा होता है, आपका पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग भी कर रहा होता है, तो सब चीज़ों को पहले लिंक करके देख लें कि ये पेशेंट का इशू नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, ब्लड गैस ठीक है, पेशेंट अपनी सांस ले रहा है, वेंटिलेटर एपनिया शो कर रहा है, तो फिर आप कर सकते हैं कि आप इसको बैग मास्क ट्रायल दे दें, यानी कि बिल्कुल एम्बू बैग लगा के लो फ्लो पे पेशेंट को थोड़ी देर सांस लेने दें और उसके बाद देखें कि वो अपनी ब्रीदिंग मेंटेन कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है भाई ये फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली केस देखा था मेरे साथ ICU में सरी थे और हम लोगों के पास पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर का बच्चा था जो कि इनिशियली उनकी सर्जरी होती है, ब्रेन ट्यूमर रिसेक्शन होती है, सेरेब्रल एडीमा होता है और उस वजह से वो शुरू के 24 आवर्स के अंदर एपनिया में जा रहे होते हैं और लेटर ऑन फिर वो एपनिया ख़त्म हो जाता है, तो हम थोड़ा सा 24 आवर्स उनको दे देते हैं, उस एपनिया को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी अगर एपनिया है तो हमने वापस उनको SIMV मोड पे डाला और स्पॉन पे लेटर ऑन दे दिया हम लोगों ने 12 आवर्स के बाद, थोड़ा सा एडीमा वगैरह सेटल हो जाए और उसके बाद वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और होल सिनेरियो क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर फिर भी अपनी आता है और CNS डिजीज है तो देन वी विल वेट एंड गिव मोर टाइम। अगर CNS डिजीज नहीं है और हमें पता है कि हमने सेचुरेशन की बहुत ज्यादा की, पेशेंट सेचुरेशन नहीं की है, देन वी कैन इग्नोर इट। साइंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल में मैंने बताया था आपको कि अगर पेशेंट बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि पेशेंट एंशियस है या पेशेंट सिडेटेड है,
इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, टैकिपनिक हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग है, रिसेशन आ रही हैं, या पेशेंट टैकिकार्डिक हो रहा है, हाइपोटेंसिव हो रहा है, देन इसका मतलब ये कि हमारा स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल पेशेंट ने फेल किया है और पेशेंट इज़ नॉट रेडी फॉर एक्सट्यूबेशन. अच्छा, अब एक्सट्यूबेशन, हमारा पेशेंट रेडी हो गया है, अब हम एक्सट्यूबेट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एनपीओ करना है 4 आवर्स बिफोर एक्सट्यूबेशन. गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करनी होती है, पेशेंट ने फीड ना ली हो, क्योंकि वी नेवर नो अगर एक्सट्यूबेशन के बाद पेशेंट को री इंट्यूबेट करने की नीड पड़ जाए, तो इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर इस लिहाज से हों कि एनपीओ कर दें पेशेंट को. एयरवे सक्शनिंग, क्योंकि सिक्रीशंस वगैरह पुल अप हुई भी होती हैं, थोड़ा ईटीटी भी आती होती है, तो उस वजह से भी सिक्रीशंस वगैरह होती हैं, जब आपने निकालना है तो उससे पहले एक दफ़ा आप सक्शन कर लें ताकि आपकी पूरा चेस्ट टॉयलेटिंग प्रॉपर हो जाए. और फिर ईटीटी कफ डिफ्लेट कर देंगे हम, और लीक एक दफ़ा अपना रीचेक कर लेंगे, एंड पेशेंट को प्रॉपर पोजिशन के ऊपर रखेंगे. हम लोग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी अपर एयरवे एडिमा को कम करने के लिए हम लोग स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं फॉर 24 आवर्स, एपिनेफ्रिन नेप्स एंड कोल सेलाइन नेप्स करवाते हैं पोस्ट एक्सट्यूबेशन. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस? सही है.